गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। रांची यूनिवर्सिटी में ईयरली वाइज चलता है, जैसे बीएड का बात करें तो बीएड में ईयरली एग्ज़ाम होता है रांची यूनिवर्सिटी में, आरयू में। बाकी जितने भी झारखंड में यूनिवर्सिटी हैं सब में सेमेस्टर चलता है। ईयरली के कंपैरिजन में मैं देख रहा हूँ कि सेमेस्टर काफ़ी पीछे चल रहा है। रांची में बीएड 2022-24 के सेशन के जो स्टूडेंट थे, 2022-24 का जो सेशन था, कल किसी ने टेलीग्राम में कल पूछा था इसलिए भी मुझे लगा एक बार बता दे, 2022-24 का बीएड के जो स्टूडेंट हैं तो उनका 24 में कंप्लीट होना चाहिए बीएड। तो 22-24 वालों का ईयरली एग्ज़ाम होता है यहाँ पर रांची में, तो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है, मतलब फर्स्ट ईयर मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह से कि दोनों सेमेस्टर, सेमेस्टर वन एंड टू, तो फर्स्ट ईयर का ही एग्ज़ाम देखिए मतलब कितना टाइमली, मतलब अच्छा ही चल रहा है। वैसे भी देखा जाए तो लेट है, बट बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में आरयू रांची यूनिवर्सिटी अच्छा है। यहाँ पर 22-23 का जो एग्ज़ाम है ना, वो सितंबर के महीने में हो चुका है, 2023 का ही सितंबर में हो चुका है, मतलब फर्स्ट ईयर का, मतलब बोल सकते हैं दोनों सेमेस्टर का। तो ऑलरेडी सितंबर में हो चुका है एग्ज़ाम, और अक्टूबर नवंबर में, नवंबर के आसपास में रिजल्ट भी आ चुका था। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो लोग बीएड रांची से कर रहे हैं, वो लोग अब लगे हुए हैं अपने दो फाइनल ईयर जो है, मतलब तीसरा और चौथा सेमेस्टर का, मतलब एक ही साथ होगा, ईयरली होगा, तो शायद जुलाई या अगस्त में होने वाला है। तो उसके लिए जोर शोर से यहाँ के स्टूडेंट लगे हुए हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, ठीक है, अपना सारा चीज़ अपना तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कल ग्रुप में कि सर 2022-24 सेशन वालों का, बीएड वालों का सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मतलब कब तक, रांची यूनिवर्सिटी का हो चुका है क्या? तो रांची यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर होता ही नहीं है। देखा जाए तो सेकंड सेमेस्टर का जब पूछा जा रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हो भी सकता है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं होगा, जबकि हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। अब लेकिन हाँ, बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लेट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अधिक से अधिक दिसंबर जनवरी तक हो ही जाना चाहिए था, जनवरी भी नहीं आना चाहिए था, ठीक है, बहुत लेट हो रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ, तो इसीलिए जो लोग भी बीएड यदि करना चाह रहे हैं, पॉसिबल है तो नेक्स्ट, अभी जो 24-26 का जो सेशन आएगा, कोशिश कीजिएगा कि रांची में पॉसिबल है, पॉसिबल है तभी मैं बोल रहा हूँ। वैसे सेमेस्टर भी कोई ख़राब नहीं है, सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, कहीं से भी कर सकते हैं बीएड। तो यदि ईयरली आपको अच्छा लगता है, इसमें बर्डन कम है, टेंशन कम है ईयरली में, है ना, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक नोटिस आया है इस बार 23-25 वालों के लिए, यहाँ पर देखिए नोटिस दिया गया है। देखिए इस बार जो 23-25 का जो बीएड का स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ, अभी जो ओपन राउंड में एडमिशन हो गया है कॉलेज में, तो डोरंडा कॉलेज जो रांची का जो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें एक सीट बचा हुआ है। आप लोग तो नोटिस देख ही लिए होंगे, एससी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है, कॉलेज की तरफ से बोला जा रहा है कि एज पर द ऑर्डर ऑफ द DSW रांची यूनिवर्सिटी रांची, एडमिशन ऑन रिमेनिंग वन सीट कैटेगरी ऑफ एससी और बीएड विल बी डन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले आएंगे एससी कैटेगरी में, तो उनका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा डोरंडा कॉलेज में, लेकिन एससी कैटेगरी होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये नोटिस तो पहले ही मिल चुका होगा, ये तो मुझे परसों ही पता चल गया था, बट इसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पाया था आप लोग को। तो उम्मीद है कि कोई ना कोई एससी कैटेगरी के कैंडिडेट पहुंच गए होंगे। यदि कोई अभी भी एससी कैटेगरी कोई स्टूडेंट है और अभी तक यदि आपका कहीं बीएड में 2023-25 में एडमिशन नहीं हो पाया है, तो आप डोरंडा कॉलेज से जाके कंसल्ट कर लें, सारा डॉक्यूमेंट लेकर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और रांची में अप्रोक्स देखा जाए तो सभी कॉलेजेज में सीट लगभग फुल हो चुके हैं बीएड का। कोई यदि एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और अभी तक यदि नहीं कहीं पर हो पाया है, तो धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, या गढ़वा हो गया, या कोई अदर और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, किन्हीं को यदि लेना यदि पॉसिबल है तो कंसल्ट आप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। जो भी पर्सन होंगे जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बताना था,
कोशिश कीजिएगा कि यदि टीचिंग प्रैक्टिस आपको करना यदि पॉसिबल आपके लिए नहीं है, टीचिंग प्रैक्टिस जो कि 5 महीने का होता है, टीचिंग प्रैक्टिस जो कि गवर्नमेंट स्कूल में जाकर आपको पढ़ाना पड़ेगा, लेसन प्लान बनाना है आपको, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, ये काम आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आप इससे बच नहीं सकते हैं, हाँ कभी कभार आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको कभी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यदि अभी तक जो लोग कहीं किन्हीं का यदि एडमिशन नहीं हो पाया है 23-25 में, 23-25 वाले जो एंट्रेंस एग्जाम दिए थे बट अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिए, और टीचिंग प्रैक्टिस 5 महीने का स्कूल में जाकर पढ़ाना यदि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब यदि मजबूरी है तब। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टीचिंग प्रैक्टिस नहीं करना है, जितना ज़्यादा टीचिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना क्लास जाइएगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए फ्यूचर में। बट यदि मजबूरी है और आप टीचिंग प्रैक्टिस नहीं आप कर पाएंगे, और आपको यदि अभी भी कहीं एडमिशन लेना है बीएड में, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया था झारखंड का, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं बोकारो से। मैं कोशिश करूँगा वैसे किसी कॉलेज में आपका एडमिशन करवाने का, जहाँ पर आपको बहुत हद तक सपोर्ट मिल जाएगा, ताकि बर्डन आपका कम रहेगा, अटेंडेंस का भी थोड़ा जो इशू है उसमें भी कुछ सपोर्ट आपको मिल जाएगा, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, फिर और आज कोशिश करेंगे लाइव आने का, यदि आ जाते हैं तो हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बहुत जल्द बीएड का 2024-26 सेशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी से रिलेटेड और आगे का। ओके, फिर थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।